हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक्सपायर फूड प्रोडक्ट का फिर से व्यापार किया जाता है हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, ये व्यापार कई सालों से चल रहा है, आज भी चल रहा है और लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लोगों को फंसा के, लोगों के पीछे पीछे इसका धंधा हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी पैकेट फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो पैकेट में आते हैं, जैसे बेकरी आइटम्स है, ब्रेड, टोस्ट, बटर, खारी या फिर सेव भुजिया, चिवड़ा, फरसान जैसे स्नैक्स आइटम्स है, वेफर्स जैसे प्रोडक्ट्स है, ये हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होती है। ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे ब्रेड की 1 हफ्ते की होती है, टोस्ट बिस्किट बटर की 1 महीने की होती है, सेव भुजिया चिवड़ा की जैसे 2 महीने की, 3 महीने की होती है। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। पर एक बार ये प्रोडक्ट जब ख़राब होता है तो ये प्रोडक्ट खाने के लायक नहीं होता। और जो फूड से रिलेटेड जो कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि एक्सपायर फूड प्रोडक्ट ना दुकान में रखना चाहिए ना बेचना चाहिए, उसे जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो इंसान के खाने के लायक नहीं है, इंसान की सेहत खराब कर सकता है। पर फिर भी हमारे देश में कुछ व्यापारी इसका धंधा करते हैं, कैसे जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है। ये व्यापारी सिर्फ और सिर्फ एक्सपायर फूड प्रोडक्ट का धंधा करते हैं। जैसे अगर कोई फूड प्रोडक्ट खराब होता है तो इनका कनेक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ। जब कोई प्रोडक्ट खराब होता है, एक्सपायर होता है, तो ये व्यापारी इसे खरीदते हैं, सस्ते से सस्ते भाव में खरीदते हैं, 10% से लेके 25% के रेट में खरीदते हैं। जैसे मान लो किसी की 100 रुपये कीमत है, उसे 10 रुपये और 25 रुपये के बीच में खरीदते हैं। उसके बाद में उसका रीपैकिंग होता है, उसका जो ब्रांडेड पैकिंग होता है उसे हटाया दिया जाता है, उसे ट्रांसपेरेंट पैकिंग में भरा जाता है। और ऐसा करने के बाद ये प्रोडक्ट सभी जगह पे बेचे जाते हैं, जैसे स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ठेले पे, ऐसे बेचे जाते हैं और इसका व्यापार किया जाता है। और इस तरह से लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स उनका नुकसान बचाने के लिए या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये काम करते हैं और व्यापारी इसका धंधा करते हैं। अब ये काम ऐसा नहीं है कि हर कंपनी कर रही है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स सही तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब एक्सपायर होता है तो उसे उसके स्टाफ में बांटता है, उनके लेबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं खाने के लिए, घर में उसका कोई पैसा नहीं लगता। पर कुछ मैन्युफैक्चरर्स पैसे कमाने के लिए इसका फिर से व्यापार करते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में जो बियर बार है वहाँ पर भी ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसे जो बार होते हैं, रेस्टोरेंट और बार होते हैं, यहाँ पे बार ओनर्स शराब के साथ साथ कुछ स्नैक्स देते हैं, जैसे चकली चिवड़ा, सेव फरसान जैसे प्रोडक्ट्स देते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मुफ्त में होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं बार ओनर्स को। एक बार को ऑन एन एवरेज रोज का 2 किलो चकली, 2 किलो चिवड़ा, 2 किलो फरसान, 2 किलो पापड़ी, ऐसे प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बार ओनर व्यापारियों को फ़ोन करके मंगाते हैं और व्यापारी जो हैं, जो इनको माल सप्लाई करते हैं, ये बहुत बार एक्सपायर फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। जब कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो उसका पैकिंग बदला जाता है, उसका 1-1 किलो का पैकिंग, वेफर्स फरसान का 1-1 किलो का पैकिंग किया जाता है। और ये पैकिंग हर रोज़ हर 2 दिन के बाद बार में सप्लाई किया जाता है। तो इससे होता ये है कि जो प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो उसके एक्सपायर होने के तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर इसका व्यापार किया जाता है और बार में ये प्रोडक्ट स्पीड से ख़त्म होता है। तो खाने वाले को भी पता चलता नहीं है कि जो प्रोडक्ट खाया हुआ है वो खराब प्रोडक्ट था, और किसी को पता नहीं चलता है। पर इसमें व्यापारी पैसा कमाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये व्यापार फंसा के लोगों के साथ हो रहा है और ये खाना लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है।
इसी तरह से एक्सपायर बेकरी प्रोडक्ट का भी व्यापार होता है। जब कोई भी बेकरी प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो व्यापारी उसे खरीदते हैं, हालांकि इसका रीपैकिंग होता नहीं है। ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट को लूज़ किया जाता है। ये बेकरी प्रोडक्ट लूज ट्रंक में भरते हैं, बड़े बड़े ट्रंक में भरते हैं, और ऐसे ट्रंक में भर के टू व्हीलर पे, साइकिल पे, या फिर कुछ लोग सर पे रख के उसे गलियों में घूमते घूमते बेचते हैं। ज़्यादातर गरीब बस्ती में इसका व्यापार किया जाता है, कम से कम भाव में इसकी बिक्री की जाती है और पैसे कमाए जाता है। पर ये जो खाना है ये लोगों के सेहत के लिए ख़राब है, लोगों की सेहत ख़राब कर सकता है। दोस्तों, कुछ होटल्स में या फिर कुछ ढाबे में, सस्ते वाले ढाबे में एक्सपायर बेकरी प्रोडक्ट्स जाते हैं करी बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए। ज़्यादातर एक्सपायर बटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ग्रेवी या फिर करी बनाई जाती है। पर यह खाना लोगों की सेहत ख़राब कर सकता है, पर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उनके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए पैकेट फूड बिजनेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी फूड मैन्युफैक्चरर पैकेट फूड में एंट्री करता है तो वो उसका प्रोडक्ट कहीं पे भी बेच सकता है, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, दूसरे राज्य में भी बेच सकता है। तो ये बिजनेस से बिजनेस बहुत ज़्यादा स्केल अप होता है, बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, लोग अच्छी खासी कमाई करते हैं। पर यह बिजनेस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जब भी कोई भी फूड मैन्युफैक्चरर जब उसका माल किसी रिटेलर के दुकान में रखता है तो रिटेलर के साथ उसका एक एग्रीमेंट होता है कि अगर माल बिकेगा तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो रिटेलर को मिलेगा, और अगर माल बिकेगा नहीं, माल अगर जगह पे रुकेगा, अगर वो जगह पे एक्सपायर होगा तो वो माल मैन्युफैक्चरर को रिटर्न किया जाएगा और जो नुकसान होगा वो मैन्युफैक्चरर का होगा। तो ये पैकेट फूड का एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है, जिसके वजह से जो पैकेट फूड में लोग सस्ता कारोबार कर रहे हैं वो नुकसान में जाते हैं, इसीलिए शायद वो ऐसे कदम उठाते हैं और ये व्यापार कराते हैं। पर ये गलत बात है, ये काम हमारे देश में होना नहीं चाहिए। ऐसे ही दोस्तों ब्रेड का भी व्यापार होता है, पर ब्रेड का व्यापार अच्छे तरीके से होता है। जब कोई भी ब्रेड एक्सपायर होता है और वो ब्रेड वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाता है तो मैन्युफैक्चरर उसे भट्टी में गर्म करता है, उसे सुखाता है, उसको बारीक करके वो माल गाय भैंस के तबेले में जाता है गाय भैंस को खाने के लिए। तो ये सही तरीका है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स पीछे पीछे बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई बाहर के प्रोडक्ट्स खाते हैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खाएँ, उसके ऊपर की एक्सपायरी डेट चेक करके खाएँ। थैले में पैक किए हुए प्रोडक्ट्स खाना खाने से पहले 10 बार सोचें और आपके सेहत का आप ख्याल रखें। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पेश करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।